हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्टेट ड्राइव। आज हम जिस प्रोजेक्ट में आपको लेके आए हैं, ये प्रोजेक्ट भी सेक्टर 123 है। यहाँ पे हम एक विला के कॉन्सेप्ट में, जिसे आप मिनी कोठी कहते हैं, उन कॉन्सेप्ट में लेके आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास जो विलाज हैं वो 32 विलाज हैं, बट ये तीन डिफरेंट डिज़ाइंस में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, इसमें तीनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं, प्लॉट साइज सबका सेम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी दिखाता हूँ, ये विलास हैं, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो इसमें जो प्लॉट साइज़ है वो आपका सारे प्लॉट साइज़ जो है वो 124 गज के हैं। तो 24 गज के प्लॉट साइज़ के अंदर ये हम तीन डिफरेंट विला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देखें ज़रा, ये सामने आप देख रहे हैं, अभी बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। सो आज जैसे मैंने बताया कि रात बहुत बारिश हुई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर पानी है। तो ये देखें, ये हम अंदर आ रहे हैं, ये इस विला के कॉन्सेप्ट में क्या है, ये थ्री रूम नीचे है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आप यहाँ पे आ गए, एंटर कर गए, एंटर करते यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। जैसे एंटर किया, ये आप देखें, ये ऊपर यहाँ झूमर लगेगा, ये सारा ये हम करके देंगे, बिल्डर आपको करके देगा। जैसे एंटर करते हैं, एंटर करते ही आप देखें, ये थ्री रूम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपका किचन आ गया, अभी क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका किचन आएगा, ये आपका डोर आ गया, ये ड्राइंग डाइनिंग है, आप देखें ये ड्राइंग डाइनिंग है, और ये पीछे बेडरूम्स हैं, आप देख सकते हैं ये बेडरूम है, और ये आपके बाथरूम है पीछे। और बैक साइड जाएंगे तो आपका ये वॉशिंग एरिया पीछे आ गया है। और इसी के साथ में आप दूसरी साइड, हमारा दूसरा बेडरूम है वो भी देख लेते हैं। ये आपका दूसरा बेडरूम है, और इसके साथ अगेन ये पीछे किचन है। अब ये आपने देखा, ये नीचे थ्री बेडरूम कॉन्सेप्ट है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, ये ऊपर आपका स्टेज से जा रहे हैं। ऊपर आप देखें, ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका सामने आप ये कह सकते हैं कि गैलरी आ गई। ये देखिए आपका गैलरी का व्यू, और ये सामने जो विलास तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर आप ये देखें, ये गैलरी आ गई, ये आपका किचन आ गया, या इसको आप कुछ और भी बना सकते हैं, अभी काम चल रहा है। ये किचन आ गया, ये आपका एक बेडरूम है सामने, और इस बेडरूम के साथ ही ये आपका वॉशरूम आ गया, और ये आपका कवर्ड साइड, यहाँ पे आप कवर्स वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये बेडरूम का साइज है। तो ये ऊपर एक बेडरूम आ गया, ये किचन आ गया, और यहाँ पे जाके ये आपका ओपन एरिया आ गया। ये ओपन एरिया है, और यहाँ से ये स्टेयर्स आ रही हैं, ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, और ये आप पीछे देखें, पीछे विलास बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिखाया, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका क्या है, जिसमें हमारे नीचे दो बेडरूम है और ऊपर एक बेडरूम है, और पीछे का एरिया ओपनड है। आपने देखा होगा, पीछे का एरिया ओपन है। तो अभी हम इसके सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये स्टेयर्स आपने देखा, यहाँ पे स्टेयर्स आपकी बाहर से है, बट जो मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट में स्टेयर्स आपकी अंदर से है। ये देखिए, अब हम इस पहले जो कोठी के कॉन्सेप्ट से निकल चुके हैं। ये हम लोग बेसिकली 32 विलास के साथ आ रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, चल रही है कंस्ट्रक्शन। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका, आप देखें, ये दो बेडरूम नीचे ड्राइंग डाइनिंग, ऊपर एक बेडरूम किचन ऊपर, और पीछे खुला है। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट में चलते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो डैट हम जितनी भी नई नई प्रॉपर्टीज़ लेके आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की,
वो आपको उसका बारे में लेटेस्ट अपडेट आते रहें। तो थोड़ा सा मैं कनेक्टिविटी का बता देता हूँ, यहाँ से अगर आप बात करें ISBT मोहाली जो है 8 मिनट की ड्राइव में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 25 मिनट्स की ड्राइव में है, खरड़ रेलवे स्टेशन जो है वो आपका 10 मिनट की ड्राइव में है, फोर्टिस हॉस्पिटल 10 मिनट की ड्राइव में है, और ये हमारा आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट। मैं आपके आपको दिखाता हूँ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 5 मिनट में, वीयर पंजाब मॉल 5 मिनट के डिस्टेंस में है, न्यू PCI स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम वो 8 मिनट की ड्राइव में है, ISBT 43 चंडीगढ़ का वो आपका 20 मिनट की ड्राइव में है, बाकी मैकडी सबवे कैफ़े गोपाल और मॉल आपके बहुत पास है, यानी 5 से 10 मिनट की ड्राइव में आप वहाँ पर पहुँचते हो। सो अभी जो हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं वो ये कॉन्सेप्ट है, देखो फ्रेंड्स देखो आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कॉर्नर है तो इसलिए थोड़ा सा इन्होंने वो आया, तो इसके बारे इसकी भी हम इंटरनल एक वीडियो आपको दिखा देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसा आ रहा है। थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी नए नए बन रहे हैं तो आपको पता है कि रास्ता मटेरियल सब ऐसा पड़ा हुआ है, ये सामने से लुक है इसका। तो फ्रेंड यहाँ से हम एंटर करते हैं, ये आपका गैराज सॉरी जहाँ पोर्च आ गए जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे एंटर करते हैं, एंटर करते ही सबसे पहले ये आ गया। अब इसमें क्या है, ये आपका ड्राइंग डाइनिंग है। सो आप ड्राइंग डाइनिंग आप देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया है ड्राइंग डाइनिंग का, ये देखिए इसमें मोस्टली ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको बिल्डर करके देगा, हम ही करके देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये स्टेयर्स आपकी यहाँ से ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, तो यहाँ से आपने ये देखा ये आपका क्या आ गया, किचन है। किचन भी नो डाउट बहुत बड़ा किचन है, आप देख सकते हैं पीछे आपका वॉशिंग एरिया आ गया जो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और नीचे आपका एक बेडरूम ये आ गया। और आप इस बेडरूम का साइज़ देखिए, काफ़ी बड़ा बेडरूम है ये आपका। और इसके साथ भी आगे जाके एक आपकी वॉशरूम आ गया, ये वॉशरूम में से आपका आप देख सकते हैं भी काम चल रहा है, ये वॉशरूम है। और इसके साथ में यहाँ आके ये आपका वॉशिंग एरिया आ गया, आप देखें कितना बड़ा वॉशिंग एरिया है आपके पास, जो पिछले हमने फर्स्ट फॉर्मेट देखा था विला का उससे ये थोड़ा सा स्पेशियस है, क्योंकि इन्होंने नीचे ड्राइंग डाइनिंग और एक बेडरूम बनाया है, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके आपका किचन बड़ा हो गया, रूम्स बड़े हो गए, और साथ में आपका वॉशिंग एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं, तो ये पहले आपका वॉशरूम है, यहाँ पर भी एक वॉशरूम दिया हुआ है हमने, तो थोड़ा डर की अगर कोई आपका गेस्ट आता तो ऊपर ना जाने की वजह नीचे वॉशरूम में चले जाए। और यहाँ से आप सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए सीढ़ियों से ऊपर जाते ही ये आपका ये आपका आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी लॉबी कह सकते हैं, यहाँ पे लोग अपना कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये एक पीछे आपका बेडरूम आ गया, बेडरूम के साथ बाथरूम आपको नज़र आ रहा होगा, और ये सामने आपका थोड़ा सा ओपन एरिया है, तो यहाँ पे आप अपना ग्रीन गार्डन वगैरह कुछ बनाना है तो वह आप बना सकते हैं। और ये वो विलास हैं जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा पहला सेगमेंट है जहाँ पीछे से एक खुला एरिया है। सो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका है सारा, आप देखें यहाँ से ये पीछे की गैलरी है, यहाँ से भी आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, ये देखिए सारा। ये आप देखें ये पहला ड्राइंग रूम है, जैसे आपने देखा पीछे बाथरूम था तो इस बेडरूम के साथ भी इन्होंने एक बाथरूम दिया हुआ है, ये देखिए सामने। और ये आपकी छोटी सी गैलरी है सामने, और ये गैलरी आपका यहाँ पे आ जाता है। सो यहाँ से आप व्यू देखें, ये आपकी पहली गैलरी है, सामने जो आप कोठियाँ देख रहे हैं विलास देख रहे हैं वो हमारा बेसिकली थर्ड सेगमेंट है। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये देखें आपका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगेन इसमें क्या डिफरेंस है कि पहले ऊपर एक बेडरूम है प्लस आपका सामने वॉशरूम है, ये छोटी सी लॉबी आ गई,
और पीछे आपका खुला एरिया है, लॉबी के साथ एक खुला एरिया, और ये आपका एक बेडरूम और बाथरूम है, और पीछे आपका गार्डन एरिया। यहाँ से आपकी स्टेयर्स लगी हैं, आप ऊपर जाके अपने ऊपर छत पे जा सकते हैं यहाँ से। अब नीचे चलते हैं। दोस्तों एक बार नीचे से हम व्यू कर लें, ये देखिए सारा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दिखाया सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा। अभी हम जा रहे हैं थर्ड कॉन्सेप्ट के पास। थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या है कि नीचे दो बेडरूम है, ऊपर भी दो बेडरूम है, तो उसको आप फोर बेडरूम कह सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है। बट सबके जो साइजेस हैं वो 125 स्क्वायर यार्ड ही हैं। मैं आपको थर्ड सेगमेंट भी दिखाता हूँ, हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं थर्ड सेगमेंट की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी काम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कितने फुल स्विंग्स में चल रही है। तो अभी से बात है, धीरे धीरे आप देखिए वहाँ पे भी वर्कर्स लगे हुए हैं सड़क के साथ साथ, नलके जो कनेक्शन से वाटर के आपको नज़र आ रहे होंगे जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से विलास बन रहे हैं, कॉर्नर का है। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ सारा। यहाँ से हम एंट्री करते हैं, ये आपका पोर्च है, यहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हैं अपनी, और यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ काम चल रहा है आप देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और ये आपका आप कह सकते हैं किचन है यहाँ पे, और पीछे एक बेडरूम है आप देख सकते हैं, ये पीछे बेडरूम है और ये आपका एक बेडरूम है, इस पर भी अभी फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। पीछे इसके साथ एक आपका वॉशरूम है, साथ में ये आपका वॉशिंग एरिया, सामने आप देख सकते हैं वॉशिंग एरिया, ये देखिए ये सामने ड्राइंग डाइनिंग आपका आ गया सामने, और पीछे दो बेडरूम्स आ गए। अब यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। अभी थोड़ा काम चल रहा है इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ स्लिपरी भी है, पानी गिर रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे नीचे किचन थी वहाँ पे अब आपका यहाँ स्टेयरकेस आ गया, आप यहाँ से ऊपर छत पे जा सकते हैं। अंदर जाते हैं तो अगेन ये आपका ड्राइंग डाइनिंग आ गया, आप देखें ये ड्राइंग डाइनिंग है। अगर आप ऊपर फैमिली रेंट पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एक छोटा सा किचन बना सकते हैं, और इसका आप देखें इस साइड भी एक छोटी सी बालकोनी है, ये बालकोनी है साइड में आप देख सकते हैं, और ऊपर भी दो बेडरूम है, ये देखिए एक ये बेडरूम है, यहाँ पे वुडन वर्क सारा, क्योंकि अभी ये प्री लॉन्च में है प्रोजेक्ट, तो इसलिए अगर आप अभी हमें अभी कॉल करते हैं तो आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे से यूनिट्स बहुत जल्दी निकल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके इसमें प्लॉट भी आपके नाम से है और कोठी भी आपके नाम से है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत जल्दी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिट्स काफ़ी निकल चुकी हैं, बट जो पड़ी हैं आप हमें नीचे दिए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको हम अच्छे प्राइस में और एक अच्छी यूनिट आपको देंगे। बट जल्दी करें क्योंकि धीरे धीरे करते करते यूनिट्स निकलते जा रहे हैं। मैं यहाँ से आपको फ्रंट का दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रंट का एरिया, सामने जहाँ पे हट दिख रहे हैं वहाँ कमर्शियल यूनिट्स आएंगे, वहाँ पे कमर्शियल आएगा, और यहाँ से आप
ये देखिए सारे विलास जो है लाइन से बन गए, और ये आपकी गैलरी आ गई यहाँ पे, और यहाँ से भी आप अंदर का व्यू देख सकते हैं सारा। तो नीचे चलते हैं दोस्तों। सो आई होप कि आपको हमारा वीडियो आएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमने इन विलास में आपको टेंटेटिव 3 डिफरेंट सेगमेंट्स दिखाए हैं। मैं आपको यहाँ से व्यू करवा देता हूँ विलास का। ये देखें आप सामने विलास लाइन से बन रहे हैं, और दोस्तों यहाँ से आप देखें वो जहाँ गाड़ी आपको नज़र आ रही है 100 मीटर की दूरी पर आपकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड से न्यू चंडीगढ़ जा रही है। यहाँ से स्टेडियम का जो डिस्टेंस है 5 मिनट से 10 मिनट में आप इंटरनेशनल न्यू क्रिकेट स्टेडियम पहुँच जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यही एक सड़क है जो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा चलेगी, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ के लिए यही एक सड़क है जो कनेक्टिविटी जहाँ से सारी दुनिया इन फ्यूचर में चाहे वो PGI जा रही हो तो वो यही यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियस बात है उसकी वजह से इन फ्लैट्स के या इन सॉरी फ्लैट्स ने इन कोठियों के रेट्स बहुत जल्दी अप्रिशिएट होंगे। तो ये कोठियाँ आप देख रहे हो। सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके इन वीडियोस सॉरी इन कोठियों के बारे में चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट करें ताकि हम आपको इस आने वाले त्यौहार पे अच्छे आपका अपना घर आपको हैंडओवर करें। रेट्स के बारे में कुछ भी इंक्वायरी हो आप नीचे नंबर्स पे कॉल करें। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल करते रहें, और आने वाले टाइम में हम और नए वीडियोज़ को आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि हमारे चैनल के बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस करें। सो टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।